इंदौर में कांग्रेस के दो नेताओं को मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का स्वागत करना भारी पड़ गया। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने इंदौर शहर और ग्रामीण जिला अध्यक्ष को निलंबित कर दिया है, साथ ही 7 दिन में जवाब मांगा है। मामले में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हमने हमेशा सौहार्द की राजनीति की है, लेकिन लगता है कांग्रेस में सौहार्द्रता अब बची नहीं है। ये कांग्रेस के दिमाग का दिवालियापन है। बता दें कि पौधारोपण अभियान के दौरान मंत्री विजयवर्गीय सहयोग मांगने के लिए कांग्रेस के गांधी भवन ले गए थे। इस दौरान यहां कांग्रेस के शहर अध्यक्ष सुरजीत चड्ढा ने विजयवर्गीय का पार्टी लाइन से बाहर जाकर स्वागत कर दिया था। मुझे लगता है कि कांग्रेस में सौहार्द्रता बची नहीं है। हमने हमेशा सौहार्द की राजनीति की है और शहर का विकास का विषय आया तब हमने हमेशा सबको साथ में लिया है। इसके पहले जब पितृपर्वत की हमने स्थापना की थी उस समय मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी थे, उन्होंने भी वहाँ पर वृक्षारोपण किया था। विलासराव जी देशमुख महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ही वहाँ पर वृक्षारोपण किया था। और इसलिए वृक्षारोपण के कार्यक्रम का निमंत्रण देने यदि मैं जाता हूँ और कांग्रेस वहाँ के अध्यक्ष को हटा देती है तो आप समझ सकते हैं कांग्रेस के दिमाग की दिवालियापन का।